लो वैल्यू वाले आदमी के 13 लक्षण। क्या आप उन लक्षणों और संकेतों की तलाश कर रहे हैं जो आपको एक कम मूल्य वाले व्यक्ति को पहचानने और उसे दूर रखने में मदद करेंगे? तो इस वीडियो में ध्यान दो। जब किसी के अच्छे गुणों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, उन संकेतों को पहचानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि आप ब्रेकअप से और टाइम वेस्ट करने से बच सके। सही ज्ञान के साथ आप इस तरह के लोगों की पहचान करने और उनसे बचने में सक्षम होंगे, क्योंकि ऐसी कई स्थितियां हैं जिनमें ऐसे पुरुष आमतौर पर खुद को प्रकट करते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं कुछ ऐसी चीज़ों पर जो एक कम वैल्यू का व्यक्ति करता है, कैसे वह लोगों के साथ बातचीत करता है और खराब आदतें जो उसके वास्तविक स्वभाव को प्रकट कर सकती है। नंबर 1, लाइफ में एम्बिशंस की कमी। एक कम मूल्य वाले व्यक्ति में गोल्स का पीछा करने के लिए अक्सर एम्बिशंस या पेशेंस की कमी होती है। वो आदमी है जो वो काम नहीं करना चाहता, लेकिन चाहता है कि काम अपने आप हो जाए, या उसमें यह विश्वास करने का आत्मविश्वास नहीं है कि वह जो करना चाहता है उसे पूरा कर सकता है। किसी भी तरह से इस तरह के आदमी के पास बैठने के और इसके बारे में कुछ करने के बजाय अपने जीवन के बारे में शिकायत करने की आदत होती है। वो कह सकता है कि वो ये या वो करेगा, लेकिन फिर कभी भी इसका पालन नहीं करता। नंबर 2, डिसरिस्पेक्टफुल होना। एक कम मूल्य वाला व्यक्ति डिसरिस्पेक्टफुल होता है। उस प्रकार का आदमी है जो आपसे एक डोरमेंट की तरह व्यवहार करता है और सोचता है कि विनम्र होने का मतलब आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल उसको देना है। वह आपसे बात करेगा, आपको इंटरप्ट करेगा और आपके आइडियाज और ऑप्शंस का मजाक उड़ाएगा। वह तब तक आपकी बात नहीं सुनता जब तक कि वह पहले से सहमत न हो और वह केवल अपने बारे में बात करना चाहता हो। वह शायद अन्य तरीकों से डिसरिस्पेक्टफुल होगा, जैसे आपके संदेशों या फोन कॉल्स को इग्नोर करना या लास्ट मिनट में प्लान्स को कैंसिल करना। नंबर 3, इरिस्पॉन्सिबल होना। जब आप एक कम मूल्य वाले व्यक्ति के साथ होते हो तो आपको यह अपने आप पता चल जाएगा। आपको उसे गड़बड़ करने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। वह पहले दिन से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। इस प्रकार का आदमी नहीं जानता कि उसे अपनी या अपनी चीज़ों की देखभाल कैसे करनी है। वह समय पर अपने बिलों का भुगतान नहीं करता, आसानी से कर्ज में डूब जाता है या उसका रूम हमेशा गंदा रहता है। वह अपनी कमिटमेंट्स का पालन नहीं करता। नंबर 4, बेईमान या डिसऑनेस्ट। एक नीच व्यक्ति बेईमान होगा और आपको सच नहीं बताएगा। वह आपके सामने एक बात कहेगा लेकिन आपकी पीठ पीछे कुछ और करेगा और फिर बाद में इनकार कर देगा। वह ऐसा करने के कारण के बारे में भी झूठ बोल सकता है, आपको बता सकता है कि उसने कुछ अलग कहा क्योंकि वह आपकी भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहता था या आपके लिए चीज़ों को आसान बनाना चाहता था। वह आपसे आधी जर्नी भी छुपा सकता है या अपने पास की घटनाओं के बारे में भी झूठ बोल सकता है, जैसे कि उसका एजुकेशन या करियर। नंबर 5, घमंड से भरा हुआ। जब आप किसी कम मूल्य वाले व्यक्ति को देखते हैं तो आप उसे पहचान जाते हैं। वह अक्सर घमंड से भरा हुआ रहता है और अपने इस लाइफस्टाइल को वार में मिले मेडल की तरह पहनता है। वह लड़का है जो हमेशा खुद को आईने में देखता रहता है या अपने फ़ोन को यह देखने के लिए देखता है कि उसे इंस्टाग्राम पर कितने लाइक्स मिले हैं। कम मूल्य वाले पुरुष आमतौर पर उथले होते हैं और किसी भी चीज़ में उनकी बहुत कम रुचि होती है। वह अदूरदर्शी होते हैं और केवल अपने हित के बारे में सोचते हैं। नंबर 6, हमेशा वैलिडेशन की आवश्यकता होती है। एक कम मूल्य वाला व्यक्ति असुरक्षित होता है और उसे निरंतर वैलिडेशन की आवश्यकता होती है। ऐसा आदमी अप्रूवल के लिए इतना उतावला होता है कि वह उसे पाने के लिए कुछ भी करेगा, जिसमें पीछे की ओर झुकना और अपने स्वयं के मूल्यों से कंप्रोमाइज भी कर सकता है। कम मूल्य वाले पुरुषों के साथ समस्या यह है कि उनका आत्मसम्मान रेत पर बना होता है। यह इंटरनल फैक्ट्स के बजाय एक्सटर्नल फैक्ट्स पर निर्भर होते हैं और जैसे कि हम सभी जानते हैं, इंटरनल वैलिडेशन क्षणभंग और चंचल हो सकता है। यह रिलीबल या लास्टिंग नहीं है।
नंबर 7, मैनिपुलेटिव और कंट्रोलिंग होना। मैनिपुलेट करने वाले पुरुष अक्सर आकर्षक और करिश्माई होते हैं। यही वजह है कि वे अपने व्यवहार से पहले ही दूर हो जाते हैं। इस प्रकार का लड़का आपको यह समझने की कोशिश कर सकता है कि वह केवल आपके सर्वोत्तम हित की तलाश कर रहा होता है, जबकि वह वास्तव में अपनी खुद की जरूरतों के आधार पर निर्णय ले रहा होता है। कंट्रोलिंग नेचर भी इनसिक्योरिटी उपजा है, साथ ही साथ दूसरों पर कंट्रोल करने की इच्छा भी इनसिक्योरिटी से होती है। एक कंट्रोलिंग नेचर वाला व्यक्ति आपकी फ्रीडम और स्वतंत्रता में यह निर्धारित करने की कोशिश करेगा कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, आप कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं जा सकते हैं, आप किसके साथ समय नहीं बिता सकते और इसी तरह की बातें। नंबर 8, आसानी से जलस होना। एक लो मूल्य वाला व्यक्ति वह है जो अपने रिश्ते में सुरक्षित महसूस नहीं करता और लगातार रिजेक्शन या ब्रेकअप्स के संकेतों की तलाश में रहता है। वह आप पर भरोसा करने के लिए संघर्ष कर सकता है और आपके टाइम और अटेंशन के प्रति अत्यधिक अधिकार दिखाता है। इससे उसे जलन हो सकती है, भले ही कोई वास्तविक कारण न हो। यदि आप उसके बिना कुछ करते हैं, तो वह दूसरों के साथ आपकी बातचीत पर डाउट कर सकता है या डिफेंसिव भी हो सकता है। नंबर 9, सहानुभूति या एम्पैथी की कमी होना। एक लो मूल्य वाला व्यक्ति वह है जिसमें सहानुभूति का अभाव है, जो इस बात का संकेत है कि उसके पास प्रेम और करुणा की लिमिटेड कैपेसिटी है। यह उनके व्यवहार और शब्दों में देखा जा सकता है, जो अक्सर सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। उसके पास लोगों के लिए जनरल रिस्पेक्ट का भी अभाव है, क्योंकि वह उन्हें वर्दी नहीं समझता। इस पुरुषों को महिलाओं के साथ सहानुभूति रखने में भी कठिनाई होगी, क्योंकि उसकी ऐसी सोचने की प्रवृत्ति है कि महिलाएं सिर्फ उसके आनंद के लिए मौजूद है। वह उनके साथ विचारों और भावनाओं वाले व्यक्तियों के बजाय ट्रॉफी या पुरस्कार की तरह व्यवहार कर सकता है। नंबर 10, धन के मामले में कंजूस। यदि आप कम मूल्य वाले व्यक्ति के साथ है, संभावना है कि वह धन को लेकर कंजूस होगा। वह आपको फूल या ऐसी कोई भी चीज़ खरीदने से मना कर देगा जिसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। जब भी संभव हो वह दुकान में फ्री वाले सैंपल मांगता है और यहाँ तक कि आपसे ही हर चीज़ के लिए पे करने के लिए भी कह सकता है। जब भी संभव हो वह दुकान में फ्री वाले सैंपल मांगता है और यहाँ तक कि आपसे हर चीज़ के लिए पे करने के लिए भी कह सकता है। सच कहा जाए तो जो व्यक्ति धन के लिए कंजूस है, वह अन्य चीज़ों के लिए भी कंजूस होगा। अगर वह डेट पर थोड़ा सा पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, तो संभावना है कि वह रिश्तों पर ज़्यादा टाइम या इफेक्ट खर्च करने के लिए तैयार नहीं होगा। नंबर 11, आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल की कमी। जब आप एक कम मूल्य वाले व्यक्ति के साथ हो, तो आप देखेंगे कि उसे सेल्फ कंट्रोल करने में बहुत परेशानी होती है। क्रोधित या फ्रस्ट्रेशन होने पर वह हिंसक हो सकता है और उसे शराब या ड्रिंक की लत भी लग सकती है। वह परिणामों के बारे में सोचे बिना जल्दबाजी में निर्णय लेता है और दूसरों की जरूरतों के बारे में भी नहीं सोचता। नंबर 12, स्वार्थी या सेल्फिश होना। एक कम मूल्य वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है और केवल अपनी जरूरतों से संबंधित होता है। वह समझौता करने या त्याग करने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि वह यह भी सोचता है कि वह हर चीज का हकदार है। वह मानता है कि वह आपके अटेंशन, आपके पैसे और आपके टाइम का हकदार है। वह आपको एक ऐसी व्यक्ति के रूप में नहीं देखता जिसकी अपनी जरूरतें या इच्छाएं हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल आपकी भलाई के बारे में चिंतित होगा। यदि यह उसे किसी तरह से बेनिफिट करता है, इस तरह का लड़का बदले में जितना देता है उससे अधिक मांगता है, और जब उसे वह नहीं मिलता जो वह चाहता है, तो वह आप पर गुस्सा हो जाएगा। नंबर 30, जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी का अभाव। एक लो मूल्य वाला व्यक्ति वह होता है जिसमें अपने कार्य की जिम्मेदारी लेने में कठिनाई होती है। वह उस प्रकार का व्यक्ति है जो अपनी पसंद का स्वामित्व लेने के बजाय अपनी कमियों के लिए दूसरों या एक्सटर्नल फैक्ट्स को दोष देगा।
उसके मन में खुद के लिए ज़्यादा सम्मान नहीं है, दूसरे लोगों की तो बात ही छोड़िए। इसीलिए जब चीज़ें गलत हो जाती है तो उस पर खुद को जवाबदार ठहराने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। उम्मीद है यह वीडियो आपको एक कम मूल्य वाले आदमी के प्रकार की एक स्पष्ट तस्वीर देता है, विशेष रूप से उन लक्षणों को जिन्हें डिफेंस करना अधिक कठिन होता है। यदि आप किसी के साथ एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने के लिए देख रहे हैं तो रेड फ्लैग्स की तलाश करना महत्वपूर्ण है। यहाँ बताई गई चेतावनी के संकेतों पर नज़र रखें और यह निर्धारित करने के लिए अपने अंतर्ज्ञान का उपयोग करें कि यह व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं। आखिरकार किसी ऐसी व्यक्ति को अपने आसपास रखना जो आपकी सराहना नहीं करता और आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, आपको लंबे समय में अधिक भावनात्मक नुकसान पहुंचाता है। यदि वह वास्तव में कम मूल्य का है तो आप अपना समय क्यों बर्बाद करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ऐसे वीडियो बनाना जारी रख सकें। इस तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना न भूलें। साथ ही हमारे अन्य वीडियो को भी अवश्य देखें। धन्यवाद।